बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए बनाते हैं चिकन चिल्ली। वो भी बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बन के रेडी होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसके हमने स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। और 2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 चम्मच मैदा ले लिया है और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और विनेगर ले लिया है। सबसे पहले हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन के अंदर ऐड कर लिया है। फिर जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया था उसको हमने ऐड कर लिया है। जो हमने विनेगर लिया था उसमें हमने 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है। और 1 अंडा हमने लिया है, 1 अंडे को हम डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर देंगे इसके अंदर। और 1 चम्मच नमक हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। और 2 मिनट के बाद हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और अब इसके अंदर हमें मैदा ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हाथों से इसको हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसे 90 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 3 हरी प्याज का हमने सफ़ेद वाला हिस्सा ले लिया है, 3 हरी प्याज का हमने हरा वाला हिस्सा ले लिया है, थोड़ा सा अदरक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा लहसुन चॉप कर लिया है हमने। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे से काट लिया है और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को अच्छे से काट लिया है और 4 हरी मिर्च को अच्छे से काट लिया है। अब जो हमारा चिकन था वो मैरिनेट हो चुका है, तेल बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक स्टिक की मदद से, किसी भी फूड स्टिक की मदद से हम इसको 1-1 पीस उठाएंगे और इसके अंदर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। एक साथ नहीं डालना है हमें, वरना ये चिपक जाएगा। और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई करना है, फुल फ्लेम पर नहीं करना है, वरना अंदर से पकेगा नहीं। तकरीबन 10 मिनट इसको हमें पकाना है और बीच बीच में हम इसको चेक करना है ये अच्छे से पका है नहीं। ये देखिए अभी पका नहीं है, हमें ऐसा कलर नहीं चाहिए। और अब 5 मिनट के बाद अच्छा खासा कलर इसका आ चुका है, तकरीबन 15 मिनट हमने इसको पकाया है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारा चिकन रेडी कर लेते हैं। सारा चिकन हमने रेडी कर लिया है, ये देखिए सभी चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितना जूसी हमारा चिकन अंदर से रेडी हुआ है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी जूसी, कितना ज़्यादा क्रिस्पी, ये देखिए। और अच्छे से जो हमारा चिकन है गल भी गया है। अब एक बाउल के अंदर हमें 1 कप वाटर लेना है, उसके अंदर हमें 3 चम्मच ब्लैक सिरका ऐड कर देना है। ये देखिए ब्लैक सिरका हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 चम्मच। अब हमें इसके अंदर रेड चिल्ली सॉस ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 3 चम्मच हमने इसके अंदर रेड चिल्ली सॉस ऐड की है। आप कोई भी रेड चिल्ली सॉस ले सकते हैं या इसकी जगह पर आप शेजवान सॉस भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच केचप ऐड कर रहे हैं, 3 चम्मच हमने इसके अंदर केचप ऐड की है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर अरारोट ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अरारोट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर ऑयल ऐड करना है, 1 टेबल स्पून ऑयल इसको ऐड करना है और पूरी कढ़ाई में अच्छे से इसको फैला लेना है। अब जो हमने लहसुन की कलियाँ ली थी कटी हुई चॉप्ड हुई हुई, उनको ऐड कर देना है। और जो जिंजर लिया था हमने उसको भी ऐड कर देना है। इनका हमने पेस्ट नहीं बनाया था बाद में, पहले हमने पेस्ट लिया था, उसके बाद में हमने इनको चॉप्ड कर लिया था। अब जो हमने वाइट वाला पार्ट लिया था, पहले वाइट वाला पार्ट ऐड करना है हरी प्याज का और उसको अच्छे से पकाना है, ज़्यादा भूनना नहीं है इसको। इसको हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब हम सब्जियां इसमें भून रहे हैं तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं, अब हमें हाई फ्लेम कर देना है और इसको जल्दी जल्दी अच्छे से पकाना है। हमें इसको ऐसे रखना नहीं है, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, बीच बीच में इसको पलटते रहेंगे, इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है। देखिए इस तरह से हम इसको चला रहे हैं। अब जो हमने हरी मिर्च ली थी वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने प्यूरी बनाई थी
वो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम इसके अंदर प्यूरी ऐड कर रहे हैं, अब हमें बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर इसको पकाना है, बीच में लो फ्लेम पर इसको नहीं रखना है, इसको हमें सीधा हाई फ्लेम पर ही पकाना है शुरू से। देखिए हमने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाया, तकरीबन इसको 10 मिनट पर बनाया हमने प्यूरी डालने के बाद। और ये देखिए कैसे हमारी प्यूरी जो गाढ़ी हो चुकी है इसके अंदर जाने के बाद। अब जो हमने फ्राइड चिकन लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और चिकन डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको अच्छे से पका लेना है, जल्दी जल्दी उसको पकाना है, तो जो हमारा चिकन है बाहर से क्रिस्पी होना चाहिए। और इसको हम तकरीबन 2 घंटे के अंदर सर्व कर लेंगे। अब जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट था हरी प्याज का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 2 मिनट होने से पहले पहले ही इसको हमें अच्छे से पका लेना है। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर हमने वाइट तिल ऐड किया है। वाइट तिल से बहुत देखने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अब जो हमारा चिकन चिल्ली है वो एकदम रेडी हो चुकी है, चलिए इसको सर्व कर लिया है हमने। और ये देखिए कितनी ज़्यादा जूसी और क्रिस्पी हमारी चिकन चिल्ली बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।